हेलो गाइस, वेलकम टू जिया का जायका। और आज हम बनाएंगे KFC स्टाइल चिकन पॉपकॉर्न। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे हमने चिकन मसाला लिया है, लहसुन पाउडर, चिली फ्लेक्स, मस्टर्ड पाउडर, हल्दी पाउडर, चाट मसाला, नमक, लाल मिर्च पाउडर, टाटरी, अदरक पाउडर। अब एक बाउल लेंगे और इसमें डालेंगे मस्टर्ड पाउडर, हल्दी, चाट मसाला, चिकन मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक, लहसुन पाउडर, टाटरी, चिली फ्लेक्स, अदरक पाउडर। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए हमारा मसाला तैयार है। हमने 2 kg का मसाला तैयार किया है। यहाँ पे हमने बोनलेस चिकन लिया है और इसे इस तरीके से छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। अब इसमें विनेगर डाल देंगे और हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे ढक देंगे 1.5 घंटे के लिए और साइड पर रख देंगे। ये देखिए 1.5 घंटे बाद हमने 2 kg का मसाला तैयार किया था और हमने 1 kg चिकन लिया है, तो उसमें से आधे मसाले को हम साइड कर लेंगे और आधे मसाले को चिकन में डाल देंगे। अब इसे हाथों से मिला लेंगे। अब इसे ढक के रेफ्रिजरेट कर देंगे रात भर के लिए। ये देखिए रात भर के बाद रेफ्रिजरेट होने के कारण चिकन में थोड़ा सा पानी आ गया है। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे हमने खुले बर्तन में मैदा लिया है कोटिंग करने के लिए। अब एक एक करके सारे चिकन को मैदे में डालेंगे
हाथों से अच्छे से कोट करेंगे। अब इसे छान लेंगे ताकि एक्स्ट्रा मैदा इसमें से निकल जाए। यहाँ पे हमने बाउल में पानी लिया है और अब चिकन को इसमें डाल देंगे और 10 सेकंड चिकन को पानी में ही रहने देंगे। अब इसे इसमें से निकाल लेंगे। अब इसे फिर से मैदे में डालेंगे और अच्छे से कोट कर लेंगे। ये देखिए, अब इसे फिर से छान लेंगे। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल लिया है। अब इसमें चिकन डाल देंगे और चिकन को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, तेल के ऊपर हमारा चिकन आ गया है, मतलब हमारा चिकन फ्राई हो गया है। अब चिकन को निकाल लेंगे। सारे चिकन की कोटिंग कर लेंगे।
अब इसे फिर से छान लेंगे। अब इसे भी पानी में डुबो लेंगे। अब इसे भी निकाल लेंगे। अब फिर से इसे मैदे में डाल के कोट कर लेंगे। ये देखिए, अब इसे फिर से छान लेंगे। अब इसे भी तेल में डाल के फ्राई कर लेंगे। गर्मा गर्म KFC स्टाइल चिकन पॉपकॉर्न तैयार है। इसे चटनी के साथ सर्व कीजिए। ये देखिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।